मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नया वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। पहले हम पिछले वीक की जो फ्राइडे की एनालाइज थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्राइडे को जब हमने एनालाइज किया तो यहाँ पर था 2364 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि 72 का एरिया जो है वो इससे ब्रेक होना बहुत मुश्किल है और इस एरिया से रिजेक्ट होगा इसके आसपास से, और यहाँ पर इसने एक रिवर्सल दिया छोटे टाइम फ्रेम में M15 में, और यहाँ से जो है ये सेल हुआ। और मैंने ये कहा था कि ये एक 54 से 48 और 48 के नीचे अगर H1 क्लोज लगता है तो फिर 30 तक जाने के काफ़ी चांसेस हो जाएंगे। और इन एरियाज में यही था कि आप नोट करिएगा, जहां पे स्टे दिखाता है वहां पर जो है वो वहां से बाय भी हो सकता है, लेकिन इतनी फास्ट मूव थी इसकी। पहले तो इसने ये पूरे दोनों जोन जो है वो ब्रेक कर दिए थे। ये वाला एरिया जो 40 तक का एरिया था ये तो इसी H1 के अंदर जो है वो खत्म हो गया था। अब यही रह गया था कि 30 वाला एरिया, और अगर इससे भी नीचे निकलता है तो 14 का एरिया था, 14-16। तो यही था कि यहाँ से भी इसने फिर आके इसको भी जो है वो ब्रेक किया, बल्कि जो है वो जोन के अंदर क्लोज कर दिया। तो यहाँ से दोबारा जो है, और ये 14 तक तो खैर नहीं गया, लेकिन ये कि 16 तक जाने के बाद दोबारा अपसाइड जो है वो मूव की इसने। तो इसमें यही देखा जाता है कि अगर हमें लगता है कि ये सपोर्ट एरिया बन सकता है तो वहां पर हमें कम से कम जो है वो उसका M15 के 2 क्लोज का स्टे देखना पड़ता है। 2 क्लोज का स्टे का मतलब ये है कि मार्केट वहां तक आए और उस लेवल के ऊपर स्टे कर जाए, ब्रेक ना करे, उसको क्लोज रखे अपना। ये जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से सीधा 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 था M15 में, यहाँ भी ये जो 30 वाला एरिया था ये भी डायरेक्टली इसने ब्रेक पहले शेडो ब्रेक किया और बाद में ब्रेक क्लोज किया। तो इसका यही होता है कि कम से कम 2 से 3 कैंडल जो है वो क्लोज स्टे दिखाए। जिस तरह ये ऊपर से यहाँ से ही नीचे आया, तो अब यहाँ देखें कि ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर किस तरह की जो है वो पोजिशन दिखा रहा था। इसमें यह है कि यहाँ से ये ऊपर गया, इस एरिया को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये दोबारा नीचे आया, लेवल ब्रेक नहीं है, और इसके ऊपर कम से कम इसने 2 क्लोज तो एक साथ M15 के क्लोज कर दिए हैं। तो यहाँ पर काफी चांसेस नजर आ रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन अगर इस तरह की पोजीशन में सीधा आके ब्रेक कर देता है तो फिर मुश्किल है कि ये जो है वो नीचे आ जाए। यहाँ पर आके M15 ने 2 क्लोज दिए लेकिन पूरा जोन ब्रेक हो चुका था। अब ये जोन ब्रेक हो चुका तो उसके बाद तो ये सेकेंड सपोर्ट देखेगा जो 14 से 16 तक की थी, तो वहां जो है वो आके इसने सपोर्ट ली और फिर जो है वो कुछ ऊपर की तरफ 100 पिप्स के करीब जो है वो ऊपर मूव की। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज। इसी तरह से हमारे लेवल्स को फॉलो किया जाता है और वेट किया जाता है कि लेवल्स के ऊपर पोजीशन देख के, फिर उसी के बाद जो है वो पोजीशन बन सकती है, अदरवाइज तो मुश्किल होता है। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम ये एक 27 से 30 वाला जो सपोर्ट एरिया है उसके नीचे गोल्ड स्टे कर रहा है, और जबकि ये 14 तक नहीं आया, यहाँ 16 से, क्योंकि इसकी सपोर्ट जो बेसिकली बनती है वो 14 की है और इसने 16 से जो है ऊपर की तरफ मूव किया। अब देखना ये है कि क्या ये इस एरिया को ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता। अब अगर इसको ब्रेक करता है 30 से ऊपर, अगर H4 का क्लोज देता है तो पॉसिबल है कि ये सीधा चला जाए यहाँ तक, और 38 का एरिया इम्पोर्टेंट होगा। अगर इसको ये शेडो ब्रेक करता है या फिर एक M15 ऊपर और एक नीचे देता है तो फिर यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे 27-30 का एरिया, और यहाँ से अगर ये सपोर्ट दिखाता है तो इस तरह की पोजीशन बनती है। और अगर ये 38 को टेस्ट ना कर पाए या फिर इसको टेस्ट करे ब्रेक ना करे तो फिर यहाँ देखना पड़ेगा दोबारा, लेकिन ये कि फिर ये ब्रेक कर सकता है इसको नीचे की तरफ।
और इसको अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर इसके पास यही होगा फर्स्ट टारगेट यहाँ से। अब इस तरह की पोजीशन बन सकती है दोनों तरफ से ना, के अब क्या ये ऊपर की तरफ ट्राई करे या फिर ये नीचे की करे, देखना पड़ेगा। अगर तो ये इसको ब्रेक कर जाता है और H4 का क्लोज इससे 30 से ऊपर कहीं लगा लगा देता है तो ये पहले जाएगा यहाँ तक, और अगर इस एरिया को ये टेस्ट करता है बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट, ब्रेक बिल्कुल ना हो तो यहाँ देखना पड़ेगा, हो सकता है ये फिर भी स्टे कर जाए। लेकिन इसको अगर ये ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 27 के नीचे थोड़ा सा भी स्टे किया इसने तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और यहाँ से अगर ये दोबारा जो है वो सेम इस तरह आ सकता है ऊपर की तरफ, और अगर 14 के नीचे भी H4 क्लोज कर देता है तो फिर 30 2305 और 2302 वाला एरिया होगा, इस तरह की मूवमेंट होगी। और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है मतलब शेडो ब्रेक करता है यहाँ तक मार्केट आ जाती है, लेकिन ये के ऊपर ना करे और ये नीचे आ जाता है इसको तो फिर वेट करना पड़ेगा यहाँ तक। अगर यहाँ पर स्टे दिखाता है तो यहाँ से फिर जो है वो 54 का एरिया, पहले 45 होगा, 45 के बाद 54 होगा, हो सकता है ये 45 से भी रिजेक्ट हो जाए, लेकिन अगर देखना पड़ेगा। अगर यहाँ प्रॉपर टेस्टेड रहा 30 को तो फिर इजीली ये इसको भी ब्रेक कर देगा 45 को भी। इस तरह की पोजीशन नजर आ रही है। अब 54 से ऊपर भी अगर ये निकलता है तो फिर वेट करना पड़ेगा, वो फिर हम कोई बड़ी मूव नहीं लगेगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही जा सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये स्टे करता है यहाँ पर मतलब इसको ब्रेक करता है या फिर स्टे कर जाता है तो फिर कल तक जो है वो फिर कोई और पोजीशन हम इसको देख लेंगे, लेकिन करंट पोजीशन के हिसाब से मेरे हिसाब से मुझे यही नज़र आ रहा है अभी फिलहाल। ये 23-27 वाला जो एरिया था उसके नीचे स्टे कर रहा है, सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर 31 का बनता है, 31 से 34 मैंने लगाया नहीं है, 31 से 34 का एरिया है वो मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है, इसलिए नहीं लगाया कि वो ऑलरेडी जो है M15 के अंदर ये इसने पूरा ब्रेक किया उसके बाद नीचे आया, तो इसलिए मैंने लगाया नहीं, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट यही 38 का एरिया ही रहेगा। अगर 38 को टेस्ट करना होगा इसको तो ये 30 से ऊपर जो है वो ब्रेक क्लोज करेगा और ऊपर निकल जाएगा, और अगर नीचे ही रहना हुआ तो फिर ये 30 से ऊपर क्लोज नहीं करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 31 तक जाने के बाद दोबारा जो है वो 27 से नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की पोजीशन ही हमने देखनी है यहाँ पर, जहन में रखिएगा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ से जो है वो एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ हुआ है ये इस एरिया से, ठीक है। और ये उसकी सेकेंड फर्स्ट इम्पल्स लगी है, करेक्शन लगी है, पिछले टाइम भी मैंने बताया था कि इसकी करेक्शन हो तो फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे ट्रेंड कैसा है, लेकिन ये कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा करेक्शन हुई है तो ट्रेंड तो काफ़ी वीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर मौजूद है, और अभी भी इसने आगे जो H4 के अंदर वांडा के चार्ट में H4 के अंदर इसने जो है वो अभी भी बुलिश लगाने हैं। अब देखते हैं वो क्या है, लेकिन ये कि ट्रेंड काफ़ी वीक है तो अब उसी हिसाब से हम जो है वो आगे देखेंगे। मैं आपको प्रॉपर लेवल के हिसाब से मॉनिटर हम करते रहेंगे और मैं बताता रहूँगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे उसी हवाले से, क्योंकि जो इम्पल्स लगती है उसके बाद जो करेक्शन होती है उसी से फिर जो है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई भी किया जाता है, और फिर ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि सेकेंड इम्पल्स कहाँ ख़त्म करेगा, थर्ड कहाँ ख़त्म करेगा, या फिर करेक्शन कहाँ तक होनी है, तो इसका अंदाज़ा हो जाता है। पहले नहीं थी तो मैं वही कह रहा था, अब इसकी एक इम्पल्स और एक करेक्शन लग चुकी है तो अब उम्मीद है कि हम आगे जो है इसको लेवल टू लेवल इजीली जो है वो पकड़ लेंगे। सो मेरे हिसाब से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज और जो है वो यही नज़र आ रहे हैं मोमेंट इस तरह के लेवल्स के ऊपर। देखिएगा ये H4 के अंदर ही देखिएगा अब इसको, क्योंकि यहाँ से पोजीशन इस तरह ही होगी। हाँ ये ज़रूर है कि अगर ये 30 से ऊपर निकलता है H1 के 2-3 32-34-35 तक जाने के बाद दोबारा नीचे आ जाता है तो 30 तक आप M15 के 2-3 क्लोज अगर एक साथ 2 क्लोज भी बुलिश दिखाता है तो ऊपर फिर दोबारा 38 तक जाएगा, इस तरह से पोजीशन बन सकती है। ये सीधा सीधा ऊपर से आया हुआ है तो सीधा सीधा आके जो है ना सीधा सीधा जाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। 38 तक तो इजीली जा सकता है लेकिन उससे ऊपर थोड़े से मामला इसके मुश्किल होंगे। सो
बस जो मेरे हिसाब से लग रहा है वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।